गाइस जीरे में ये चीज मिलाकर रोजाना। खाली पेट पी लीजिए, आपके लटके हुए पेट की चर्बी बिल्कुल मोम की तरह पिघल जाएगी। करेक्ट। तो मेरे चटोरों, आज से एक्स्ट्रा खाना खाना बंद करके बल्कि मेटाबॉलिज्म ड्रिंक पीना स्टार्ट कर दो। अब आप सोचोगे जीरा पीने से वेट लॉस कैसे होगा और इसको सुबह ही क्यों पीना है, तो उसके पीछे भी लॉजिक सुन लीजिए। जीरा पीने से आपका होता है मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट, इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है, ये आपके घुटनों के दर्द को दूर रखता है, वात के प्रभाव को खत्म करता है, अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो ये उसको भी दूर करता है। तो जीरा आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। सबसे अच्छी बात, इसको रोज बनाने का भी झंझट नहीं है। आपने क्या करना है, जीरे को बस पीस लेना और डब्बी में कांच की शीशी में स्टोर करके रख लेना है। डब्बी लोगे तो भी कांच की लेना, क्योंकि कांच की शीशी में जब हम कोई चीज स्टोर करते हैं तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है ना। तो इसके साथ साथ अगर आप वेकेशन पे जा रहे हैं, आपकी की वेडिंग है या कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग का आपका टाइम है, आपका शेड्यूल रहता है, तो भी आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। और स्पेशली जब लॉकडाउन में बैठे हुए हैं और नए नए पकवान किचन से ऑर्डर कर रहे हैं अपने ही घर में बैठकर, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि जितना फ्राइड खाओगे ना और फिर लॉकडाउन के बाद जब अपने शरीर को शीशे के सामने देखोगे ना, कहीं जाने लगोगे तो बहुत पछताओगे। तो अभी से थोड़ा सा अपना चटोरापन कम कर लो। इसके लिए चलते हैं फटाफट से किचन में, देख लेते हैं इसको बनाना कैसे है, पीने का सही समय क्या है और क्या है सही तरीका। लेकिन उससे पहले अगर अपनी ईशा को और प्यार देना चाहते हो तो देरी मत करो यार, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @ishramehra और फेसबुक पे मेरा पेज है हेल्थ टाइम। चलो अब चलते हैं किचन में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जीरा लेना है, आप 50 से 100 ग्राम जीरा ले लीजिए, ठीक है। उसको ग्राइंडर में डाल लीजिए और उसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना के आप कांच की शीशी में स्टोर करके रख लीजिए, साथ में इसको कैरी भी कर सकते हो, बाहर रख दीजिए, फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं, खराब नहीं होगा, 1 महीना पिसा हुआ जीरा भी। अब आपने क्या करना है, कई लोगों का जो जीरा होता है हल्की सिलन वाला होता है, अगर आपको लग रहा है कि हल्का सा सिला हुआ है तो आपको तवे में पहले भून लेना और उसके बाद उसको पीस लेना, तो उसकी सिलन बिल्कुल चली जाएगी बिना घी के। आपको हल्का सा बस नॉनस्टिक जो पैन होता है उसको रोस्ट कर लेना है, ठीक है, उसके बाद उसको पीस लेना है। सुबह उठते ही आपको एक बर्तन लेना है, उसमें डालना है 2 ग्लास पानी। 2 ग्लास पानी डालने के बाद आपने उसमें डालना है भुना हुआ जीरा, यानी जो आपने पीसा हुआ जीरा लिया है वो 1 चम्मच। अच्छे से मिक्स कर दीजिए, गैस का फ्लेम ऑन कर दीजिए और गैस पे उस बर्तन को रख दीजिए। जब पानी उबल जाए और उबलकर 1 ग्लास रह जाए, जैसा आप देख पा रहे हैं, तो गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। छन्नी की मदद से कांच के ग्लास में इसको ट्रांसफर कर लीजिए। कोई भी रेमेडी जो होती है आपको प्लास्टिक में नहीं पीनी, स्टील में नहीं पीनी, कांच के बर्तन में ही आपको पीनी है। उसके बाद आपको सुबह उठते ही बासी मुंह, थूकने आपने नहीं है, नॉर्मल पानी पहले नहीं पीना, अपने थूक के साथ ही, मतलब पहली थूक जो आपके मुंह में होगी उसी के साथ आपने इसको चाय की तरह सिप सिप करके पीना है रोजाना। अब आपकी किसी चीज की दवाई चल रही है तो 1 घंटे बाद आपने दवाई खानी है और 1 घंटे बाद ही आपने कुछ भी ब्रेकफास्ट करना है। जीरा आपके मेटाबॉलिज्म को इंस्टेंट बूस्ट करेगा। जो अभी तक आप खा रहे थे, आपके शरीर में सड़ रहा था, वो एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा। जो आपको इंडाइजेशन की समस्या थी, खट्टी डकारें थी, आपको फैट की प्रॉब्लम थी, एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, छाती में जलन, पेट फूलने की समस्या थी या फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी, वो सारी दूर हो जाएगी। जब आपने ग्लास में इसको छान लिया तो उसमें हम 2 चीजें और ऐड करेंगे, वो है दूसरी चीज लेमन। लेमन को क्या करना है, आपने एक नींबू लेना है, उसको आधा कट कर लेना है और इस तरीके से हाफ लेमन आपने इसमें स्क्वीज कर लेना है। अगर आपके शरीर को लेमन सूट नहीं करता तो बिल्कुल आप उसको स्किप कर सकते हैं। तीसरी चीज हमें इसमें क्या ऐड करनी है, 1 चम्मच हनी। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप हनी इसमें स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं तो हनी जरूर ऐड करें। तो हनी क्या करता है, हनी आपके स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन करता है, एंटी एजिंग का काम करता है, आपके स्किन को यंगर लुकिंग और बहुत ग्लो देता है, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट लॉस करते हैं जिनकी स्किन बहुत ज्यादा डल हो जाती है। इसके साथ साथ लेमन मैंने इसमें ऐड करा है। लेमन क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में जितने भी एक्स्ट्रा वेस्ट टॉक्सिंस अभी तक आपने जमा करे हैं, गंदगी जो खाई है, चटोरापन जो दिखाया है, उन सबको आपके शरीर से बाहर निकालेगा, आपके शरीर को अंदर से क्लींस करेगा और आपके वेट लॉस को बहुत स्पीड अप कर देता है, बहुत फास्ट आपका
वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। आप चाहें तो उसमें दो काली मिर्च के दाने भी ऐड कर सकते हैं। काली मिर्च भी हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो को बहुत अच्छे से बढ़ा देती है, जिससे आपका दिल, आपके बाकी के ऑर्गन बहुत अच्छे से रहते हैं, आपकी स्किन पे जो पिंपल्स है, रैशेज की प्रॉब्लम है, एक्नी है, उन सबको वो रिड्यूस करता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को काली मिर्च थोड़ा सा गले में खराश पैदा करता है, तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप उसको टोटली स्किप कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इन सब चीज़ों के कितने सारे फायदे हैं, तो आज से ही इसको लेना स्टार्ट करें। आप बिना कुछ करे एक महीने में आराम से 5 से 7 किलो वजन घटा लेंगे। लेकिन मेरी इस वीडियो का पर्पज ये बिल्कुल नहीं है कि आप वर्कआउट करना छोड़ दें, वॉक करना छोड़ दें, साइकिलिंग करना छोड़ दें। मैं आपको हर वीडियो में सजेस्ट करती हूँ कि प्लीज अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ ना करें, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी की कमी की वजह से ही हम आजकल जल्दी जल्दी बीमार हो रहे हैं। और आप इस जो आपको मैंने बताया है जीरा वाटर, जो आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगा, स्पेशली जो अभी कोरोना टाइम चल रहा है, हम घर पर हैं, तो ये आपके बॉडी के लिए काढ़े की तरह भी काम करेगा, जो आपके गले की मांसपेशियों को खोलेगा। अगर आपको कफ बहुत ज़्यादा बनता है, आपको एस्थमा प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको कंजेशन रहता है, खांसी रहती है, गले में खराश रहती है, तो वो इन सारी प्रॉब्लम्स को भी दूर करेगा। तो आप इसको एज अ काढ़ा समझना चाहते हैं तो दिन में 2 बार इस्तेमाल करें, रात को सोने से पहले भी लें, और वेट लॉस चाहते हैं तो मॉर्निंग में इसको ज़रूर इनटेक करें। छोटे बच्चे, बूढ़े जवान, हर कोई इसको लेके अपने वेट को मैनेज कर सकता है। बॉयज भी यूज कर सकते हैं। बहुत वीडियो में पूछते हैं कि हम पी सकते हैं, डेफिनेटली आप भी पी सकते हो। सभी मेरी फैमिली है, मैं जब भी जो वीडियो लेकर आती हूँ अपनी पूरी फैमिली के लिए लेकर आती हूँ, पर्टिकुलर गर्ल्स के लिए कैटेगरी या किसी और कैटेगरी के लिए लेकर नहीं आती हूँ, सबके लिए होता है, ठीक है। ऐसे हमेशा अपने फेस पे स्माइल रखें, पॉजिटिविटी रखें, स्ट्रेस को दूर रखें, और हमेशा हेल्दी डाइट इनटेक करें, बाहर का पैकेट बंद फूड बंद कर दें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल। We'll be right back.